नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। मैं सिमरन गुप्ता। आज हम नेताजी सुभाष जयंती के शुभ अवसर पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जब भी हम सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बात आती है, उनके द्वारा कहा जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस एक महान उग्रवादी स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। उनका जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ बोस और प्रभाती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस अपने समय के जाने माने वकील थे। उनकी माता प्रभाती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष चंद्र एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा से में दूसरा स्थान हासिल किया था। कम उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बोस ने अपनी बीए 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में ऑनर्स, बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए सितंबर 1919 में इंग्लैंड चले गए। उन्हें भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया, लेकिन वह इंग्लैंड में नहीं रहना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार की सेवा भी नहीं करना चाहते थे। सुभाष चंद्र ने 1921 में अपनी सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और भारत में राष्ट्रीय उथल पुथल की सुनवाई के बाद भारत लौट आए। छोटी उम्र से ही सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवादी स्वभाव था और भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का भेदभाव उन्हें गुस्सा से भर देता था। देश की सेवा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। बोस गांधी के प्रभाव में उनके द्वारा शुरू किए गए अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। बोस एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें आज़ाद हिंद सेना या भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना के लिए जाना जाता था। अपने क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए बोस को कई बार जेल जाना पड़ा। उन्हें गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन के साथ संबंध होने का संदेह था और उन्हें बर्मा में मंडलीय जेल भेज दिया गया, जहाँ उन्हें तपेदिक का अनुभव किया। बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक अन्य महान राजनीतिक नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। दोनों के पास स्वतंत्रता के लिए अधिक उग्रवादी और वामपंथी दृष्टिकोण था, जो गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बोस के मतभेदों का कारण बन गया। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय सेना का आयोजन और नेतृत्व करने वाले बोस का निस्वार्थ योगदान अपरिहार्य था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उजागर किया गया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। वास्तव में उन्हें अपने विचारधाराओं और अंग्रेज़ों के खिलाफ बल के उपयोग के लिए 11 बार कैद किया गया था। बोस को 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक और विदेश नीति के खिलाफ पद से इस्तीफा दे दिया। जल्द ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रीय सेना से लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ गठबंधन की मांग करते हुए देश से बाहर चले गए। बाद में वह INA के कमांडर बन गए। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर हमला किया। यह हमला सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ और वह भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों के कुछ हिस्सों का अधिग्रहण करने में सफल रहा। दुर्भाग्य से जापानियों के आत्मसमर्पण ने उन्हें युद्ध से हटने और हान करने के लिए मजबूर कर दिया। यह माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस एक अविस्मरणीय राष्ट्रीय नायक थे जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्हें देश के सबसे महान नायकों में से एक के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी भारत की स्वतंत्रता में भूमिका महत्वपूर्ण है। आप सभी को न्यूज़ हेल्पलाइन की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।